आज हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस का महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये गढ़ द्वारा दिया गया तंत्र है और इसे हम वी द पीपुल ने, हम इस संविधान को हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था आज से 73 साल पहले। और हमने एक बात सुनी है कि यूनान मिश्र रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हम कई सभ्यताएं थी हमारे हमारे पूरे वर्ल्ड में, यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गई। और हमारी सभ्यता क्यों आज भी चल रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसका रीज़न है हमारे अध्यात्म, हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक समृद्धता, जो मूल्य हम लोगों ने विरासत में लिए हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता से लेकर आज तक की जो कंटिन्यूटी मेंटेन हुई है, ये केवल हमारे मूल्यों की वजह से हुई है जो हमने इस कंटिन्यूटी को आज तक मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहते हैं आगे तक, तो इसके लिए अगर एक ही अगर ध्येय वाक्य है वो हमारा संविधान, हमारा आईन। हमारा आईन कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में, एक ऐसी नैतिकता जो संविधान से डिराइव होती है, और संवैधानिक नैतिकता वो हमारे मूल्यों से डिराइव होती है, फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी के बैलेंस से। इन तीनों के बैलेंस से हम लोग संवैधानिक नैतिकता को निकाल सकते हैं और अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। वो नैतिकता ऐसी नैतिकता है जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू डिग्निटी है। तो ये सारा संविधान का एक मूल्य है जिसे लागू करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। 26 जनवरी का दिवस इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि 1930 में 26 जनवरी के दिन पंडित नेहरू ने रवि नदी के किनारे झंडा फहराया था और उस समय पूर्ण स्वराज की संकल्पना लिया था। और 17 साल तक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। फिर 17 साल तक देश की आज़ादी का वर्ष भी रहा जब हम लोग पूर्ण स्वराज की कल्पना करते थे। और इसके बाद अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इस 15 अगस्त को डेट को चुना था क्योंकि 15 अगस्त के दिन जो है जापान जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सरेंडर किया था, इसलिए 15 अगस्त को चुना गया। लेकिन 26 जनवरी का महत्व इससे ज़्यादा है क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज की संकल्पना हुई थी और हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। एक ऐसा संविधान जिसे निर्माण करने में बहुत सारे देशों का रिसर्च किया गया, बहुत सारे देशों के कंडीशंस को रिसर्च करके हमारे देश में इसे लागू किया गया। एक ऐसा संविधान हमें जीने का राह दिखाता है, एक ऐसा संविधान जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आशा करते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते रहेंगे और इस संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में आत्मार्पित कर आगे बढ़ते रहेंगे। एक ऐसा बात कि हमारे इंडिया का ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। हम लोग ये भी बोलते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि हमारा जो देश है वो हमारे लिए ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मूल्य हैं जैसे कि नारी तू नारायणी, जो हमारे भारत देश का मूल्य है, ये भी संविधान से ही डिराइव होता है, राइट टू इक्वालिटी से डिराइव होता है। इसके अलावा भी है बहुत सारे हम लोग ध्येय वाक्य जो हम लोग रामायण काल से महाभारत काल से जो हम लोग आज अपने जीवन में उतारते रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और कर्तव्य पथ पर चलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।